हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की प्रेरणा दी और सरदार पटेल के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई और उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस महान व्यक्तित्व को नमन करने के लिए जिनकी 150वीं ये जन्म जयंती हम मना रहे हैं, इस अवसर के ऊपर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का ये बड़ा सुंदर सहयोग है। आज दीपावली का भी हम पर्व मना रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा है और लोग पूरे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं ये जयंती है। आज पूरा राष्ट्र उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज मना रहा है। यहां रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी इसी उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता के भाव को और अधिक मजबूत करना है। आज पूरे प्रदेश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। आज पूरा हरियाणा राष्ट्र की एकता के लिए दौड़ लगा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों पर विभिन्न मंत्री और अन्य जनसेवक भी इस दौड़ का शुभारंभ कर रहे हैं। आज की सुबह एक नया संदेश लेकर के आई है। सुबह होते ही बड़ी संख्या में हमारे बच्चे, युवा एवं वरिष्ठ नागरिक लोह पुरुष को नमन करने के लिए इस रन फॉर यूनिटी में भाग ले रहे हैं।